ऐसी मशीन्स देखेंगे जो आप सोच नहीं सकते हो, लेकिन वहां पे आपको लाइव डेमोंस्ट्रेशन मिलेगी। मशीन्स वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेडेड है। कि इस बार जो मशीन्स आ रही हैं, जो काम पहले मशीन्स 2 घंटे में करती थी, वो इस बार आधे घंटे में करेंगी। प्रोडक्शन ज्यादा, सेल ज्यादा, सेल ज्यादा, टैक्स ज्यादा। ये जो 7th एग्जीबिशन है, ये जिन्हें पहला 6 एग्जीबिशन लगे उन्होंने तो सब तो बड़ी लगी। ਇਹ 'ਚ ਨੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਡਾਇੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਸਟਿਚਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ लुधियाना में 10 से 13 फरवरी 2023 को मंडी बहादुर के रोड लुधियाना पे आयोजित हो रही है गमसा एक्सपो इंडिया 2023, जो कि 7वां एडिशन है, 7वीं एग्जीबिशन लग रही है गमसा की तरफ से। हमारा मकसद इंडस्ट्री को अपग्रेड करना, इंडस्ट्री को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देना, इंडस्ट्री को कॉस्ट कटिंग करने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए एक मौका देना है। और मैं लुधियाना वासियों को, गारमेंट इंडस्ट्री को, हिंदुस्तान के इंडस्ट्री को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लुधियाना आइए, 10 से 13 फरवरी 2023 को गमसा एक्सपो इंडिया विज़िट कीजिए और वहां पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ऐसी मशीन्स देखेंगे जो आप सोच नहीं सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको लाइव डेमोंस्ट्रेशन मिलेगी और आप अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाइए और इंडस्ट्री की सेवा कीजिए। सर इस एग्जीबिशन दे विच सब तो मतलब इस बार की तुसी नवा लेके आ रहे हो, की स्पेशल होएगा इस एग्जीबिशन में? देखिए, हर बार हर एग्जीबिशन में कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। और वो क्या है? मशीन्स वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेडेड है। हम मुझे कहने में खुशी है कि इस बार जो मशीन्स आ रही हैं, जो काम पहली मशीन्स 2 घंटे में करती थी, वो इस बार आधे घंटे में करेंगी। रिजल्टिंग इन जो कॉस्ट हम पहले 150 रुपया पर पीस का लगाते थे, वो 50 रुपये पर आ जाएगी। 50 रुपये का मतलब हम ग्लोबल कॉम्पिटिशन में, डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन में और ज़्यादा एक्टिवली ऑफर कर सकते हैं कम रेट पे अपने प्रोडक्ट को, और रिजल्टिंग इन आपका प्रॉफिट और आपका प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंडस्ट्री प्रफुल्लित होगी, इंडस्ट्री और ज़्यादा आगे बढ़ेगी, रिजल्टिंग इन गवर्नमेंट को टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा। प्रोडक्शन ज़्यादा, सेल ज़्यादा, सेल ज़्यादा, टैक्स ज़्यादा। मैं समझता हूँ, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ हमारी आवाज़ को सुनिए, और मैं आपके चैनल के थ्रू ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि लुधियाना को एक बड़ा एग्जीबिशन सेंटर दे दीजिए, जिसमें सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं लुधियाना की और इंडिया की, वो अपना प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकें और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में मदद मिले। तो सर जिहड़ी एग्जीबिशन आ गई, तो उहदे विच सानू की नवा देखने को मिलेगा, तुसी की नवीं चीज़ां लैके आ रहे हो? इस एग्जीबिशन दे विच तुहानू कॉस्ट कटिंग दी मशीनां, जिहदे नाल काफ़ी कॉस्ट रनिंग कॉस्ट मशीन दी घटेगी, ये तुहानू काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। जिदा कि मोटर फिटर है इंटारशिया, पहला साढ़े 1 आर तो प्लस पैनल बनता हुंदा सीगा, हुण वो 25 मिनट्स बन जाया करेगा। कॉस्ट कटिंग की तुम्हें काफ़ी हाई प्रोडक्शन मशीन देखने को मिलेंगे। एक्चुअली जी गमसा एक्सपो इस बार लगती पई है, दाना मंडी लगती पई लुधियाने, 10 तरीक तो लैके 13 तरीक तक लगती पई है। जी एग्जीबिशन हैगी साडा 7th एडिशन हैगा, 7वां लगन लगा, जिहड़ा कि साडी एसोसीएशन ने, जिहड़े कि सारे बिजनेसमैन आ, इन्होंने मिल के ही लगाई है और जिन्हें इत्थे दे मैनुफैक्चरर आ उन्होंने ही लगाई है। ये एग्जीबिशन जी 7th है, ये सब तो बड़ी गल है कि ये जी 7th एग्जीबिशन आ, ये जिन्हें पहला 6 एग्जीबिशन लगे उन्होंने तो सब तो बड़ी लगती पई है।
ये सब तो ज़्यादा एरिया कवर किया गया, मैक्सिमम मैनुफैक्चर आ रहे हैं जेडे कि अपनी मशीनरी शो करते पे आ, और सानू बड़ी उम्मीद है कि इस बार जेडे विजिटर भी होंगे पहले नालों बहुत ज़्यादा होंगे। इस बारी 20 कंट्रियां तो तकरीबन वर्ल्ड दियाँ जिदे विचों डिफरेंट डिफरेंट टैक्नोलॉजी दिखाई जा रही है, जिदे विच टैक्सटाइल भी है, निटिंग भी है, डाइंग भी है, फिनिशिंग भी है, और उस वीविंग वगैरह हर सैक्टर के मतलब कि उम्मीद है कि यह जी एग्जीबिशन है जो एग्जीबिशन लगेगी तो जो इतने के लोकल मैनुफैक्चरर है जो विजिट करेंगे उन्होंने भी इसका बहुत फायदा होगा। सर कितने दिन की एग्जीबिशन है? ये एग्जीबिशन 4 दिन के लिए लगती है, 4 दिन ही लगा रहे हैं। इस देखो सारी टैक्नोलॉजी शो की गई है, इस नीटिंग भी है, मैं तुम्हें दसिया डाइंग भी है, फिनिशिंग भी है, स्टिचिंग भी है, एम्ब्रॉयडरी भी है, फिर हर सैक्टर के उन्होंने नवी तो नवी डिवेलपमेंट देखने मिलेगी, और उन्होंने यह पता चलेगा कि मतलब कि जी होर वर्ल्ड के होर कंट्री जिम्मे चाइना हैगा या होर कंट्रीज जो प्रोडक्ट देंदे पे आ जो प्रोडक्ट नहीं बनाने कामयाब हो रहे इस 100% उन्होंने पता चलेगा कि भी कि नवी इदा की चीज़ है जिस दिन वो प्रोडक्ट बनते पे आ, और फिर किदा वो अपनी कॉस्ट घटा सकते हैं। सेम मशीनरी जी हाई स्पीड मशीन इस बार आ रही वो फिर किदा अपनी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को थले लैके आ सकते हैं। ये एग्जीबिशन मेरे आईडी के नाल बहुत अच्छी एग्जीबिशन आ, और मैं हर बंदे नूं भी यही अपील करदा, साडे जिन्ने मैनुफैक्चरर आ उन्होंने भी अपील करदा कि इस एग्जीबिशन नूं 10 तरीक तो लैके 13 तरीक फैबरी दे विच जरूर विजिट करन, इसका उन्होंने बहुत फायदा होगा। थैंक यू सर। तुहाडे भरावां दे सहयोग नाल सिर्फ सारी जनता तक यह मैसेज देना चाहते हैं कि 10 तरीक तो लैके 13 तरीक तक जिहड़ी गमसा एक्सपो का 7th एडिशन लगन जा रहा है जिदे विच 20 तो वध कंट्रीज़ की नवी टेक्नोलॉजी असी शोकेस करन जा रहे हैं, तो सारे मैनुफैक्चरर्स जिहड़े हैगे ने गारमेंट के उन्होंने इनवाइट करते हैं कि वह आके नवी टेक्नोलॉजी के रूबरू होंगे और अपना उस चीज़ को देख के अपने डिसीजन लैके तो गारमेंट की अपनी मैनुफैक्चरिंग होर अपग्रेड करन। बिकॉज मेरे हिसाब नाल सर हुण जिहड़ा इंटरनेशनल बायर भी हैगा उहदा ध्यान इस टाइम 100% इंडिया वाल हैगा, दे वॉन्ट टू सोर्स फ्रॉम इंडिया, वो आना चाहते हैं, बट उन्होंने कंसर्न एको ही है कि आर वी कैपेबल इनफ टू केटर द सेम क्वालिटी, वो सेम क्वालिटी चाहते हैं जो वो चाइना तो या होर पासों लै रहे हैं, वो अगर उन्होंने इंडिया मिल जाएगी तो वो डेफिनेटली आना चाहते हैं। सर विजिटर साढ़े वालों जोड़ा है जी थ्रू आउट इंडिया तो विजिटर आऊगा जी। भाई साहब ये असी 7th एडिशन है, 6 पहला लग चुकी ने, और ऐतकी सब तो वड्डी एग्जीबिशन है, साडा फुटप्रिंट एरिया जिहड़ा हैगा 2 लाख स्क्वेयर फिट तो ज़्यादा है, इस बार 200 तो प्लस स्टॉल है जी, 20 कंट्रीज तो आ रहे हैं जिहड़ा प्रोडक्ट है 20 तो बाद प्लस कंट्रीज है। डेफिनेटली जिहड़े निफ्ट दे हैगे ने या होर काफी इंस्टीट्यूट्स हैगे ने जिहड़े फैशन दे नाल या डिजाइनिंग दे नाल रिलेटेड ने, वो सारे स्टूडेंट्स भी उत्थे आंदे ने, वो भी नवी टेक्नोलॉजी के रूबरू होकर मतलब अपने आप को अपग्रेड करते हैं कि अगों किस तरह उन्होंने गारमेंट की डिजाइनिंग या मैनुफैक्चरिंग हो सकती है।